हेलो अनम, आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। क्यों काशिफ? ओ मिस्टर काशिफ, कुको जो हिट है वही फिट है, और आपको पता है जो बंदा फिट है वो तो हर जगह ही हिट है। कुको आप कैसे आ गए यहाँ पर? मैं तो जस्ट आपकी लिपसिंग करने की कोशिश कर रहा था। बस मैंने देखा, मैंने कहा चले मैं आपसे मिलता चलूँ। ओ माय गॉड, देखिए लोग कहते हैं ना कि आँख खोल ते सरी मिस्त्री तेरे कोल, इसी तरह समझे आँख खोली है और कुकू भाई मारे कॉल। बड़ी बात है सर, थैंक यू सो मच। लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। टिकटॉक स्टार कुकू 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 हर जगह चल रहा है। क्यों 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 का शेफ, बताएंगे जरा अपने बारे में, आपका नाम क्या है सबसे पहले, असल नाम? असल नाम तो मेरा वैसे फैसल है, मोहम्मद फैसल है, और टिकटॉक पे मुझे कोको के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ जी सही है। की करना है तो सो सही सही बस इधर ऊपर नीचे करोगे खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा जिधर ना समझ आना छोड़ दो, बस यही बहुत। अच्छा सर मुझे बताएं जरा क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, लोग आपके बारे में पर्सनल भी कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, क्या सीन यार? केड़े लोग ने मुझे दसो। हां केड़े लोग? ओ भाई जानने वाले, आपने कभी आपने कभी देखा नहीं कमेंट्स के अंदर लोग हंस रहे होते हैं, लोग आपकी वजह से इतना मुस्कुराते हैं, कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। तो टिकटॉक स्टार, वैसे मैंने बैचलर किया हुआ है। हां बैचलर किया हुआ, सही हो गया, जबरदस्त। और वैसे एक सादा लफ्जों में कहूँ, लोग भी बहुत सारे जानने की कोशिश करते हैं, ये जो इस तरह करके आता है कीड़ा टिकटॉक का, ये कैसे आया आपने? घर में कीड़े मार स्प्रे नहीं है मेरे। अच्छा। और उसको मैं कंट्रोल नहीं था कर सकता, इसलिए बड़ा होता गया वो बड़ा होता गया और एट लास्ट उसने काशिफ के हवाले से उसने जन्म लिया और फिर अवाम के सामने वो नमोदार हुआ। आप हिट हुए? हाँ जी। कोई ऐसी फीलिंग कि जब हिट हुए हो तो भागना दौड़ना वो मतलब छत से जंप लगाना कुछ ऐसा वैसा? हाँ, या मोहल्ले में मस्जिदों में ऐलान करवा देना, क्या ऐसा हुआ जब आपकी पहली वीडियो वायरल हुई थी? मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी तो बेसिकली हुआ ऐसे था कि मैं रात को सो गया था वीडियो बना के, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि वीडियो वायरल तो होनी नहीं है। अच्छा सारे लेजेंड ऐसी कहानी सुनाते हैं, मैं वीडियो बनाई ये किया वो किया, सुबह सो गया सुबह उठा तो खजाना बड़ा मारो सारी जबीला बेड़िया ही ले। सही है। अच्छा तो आपके साथ क्या बना? उसमें मैंने यही था कि वीडियो मेरी भी वायरल नहीं थी होती, ठीक है, और सेकंड थिंग अकाउंट्स कितनी दफा बैन हुए ये बताओ? अकाउंट्स तो मेरे बड़ी दफा बैन हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 10 कोई 6-7 मैं अकाउंट बनाया था, सारे के सारे बैन हो। अच्छा इससे पहले भी किसी एप्लीकेशन पर काम करते रहे हो? नहीं मैं म्यूजिक के लिए था जो बाद में टिकटॉक हुआ, तो म्यूजिकली मैंने यूज़ किया और उसको वीडियो में पोस्ट कोई भी नहीं की मैंने, कोई चीज़ पोस्ट नहीं की। सही है, नहीं की। उसके बाद टिकटॉक पर आ गया। हाँ सही है। अच्छा घर वालों की क्या फीलिंग्स थी जब देखे ना एकदम से बच्चा वायरल हो जाता है, या तो लांता पैदिया ने या तरीफा होंगे ने, आपके साथ क्या हुआ, क्या तरीके? बेसिकली ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वायरल होऊंगा और मैंने लेटे लेटे वीडियो बना दी। सही है। काशिफ वाली, और उसमें ये था कि एक जगह पे कूलर चल रहा था। सही है। मैंने कैप पहनी, मैंने उठाया, मैंने बना दी, और मुझे ये भी नहीं था पता कि मैं क्यों काशिफ होऊंगा और लोगों को इतना पसंद आ जाएगा। ओह माय गॉड। और मैंने बिल्कुल नॉर्मल एक जैसे मेरा लहजा होता है क्यों काशिफ, उसी को मैंने लेके मैंने आगे मतलब किया, उसको वीडियो को क्रिएट किया। सही है। क्रिएट करके मैं सो गया, मुझे पता था नहीं आनी। और मुझे ये भी डर था कि मैं लड़की बनाऊँ, मुझे सुबह अगर वायरल हो भी गई तो लानत है बड़ी पहले, उन्हें कहना ओ जाओ ओ जाओ खुश रहा हो ये ओ जाओ ओ जाओ ओ जाओ। खैर तो अच्छा उसके बाद फिर ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज्जत रख ली, अल्लाह इज्जत रखने वाला है। तो ये है कि लोगों को करैक्टर पसंद आया, ये नहीं पसंद आया कि ये लड़की बनाई या लड़का बनाया, ये लोगों को करैक्टर पसंद आया, तो ये अल्लाह का शुक्र है। अच्छा कॉन्सेप्ट कैसे जेहन में आया कि यार क्यों काशिफ, क्या घर में कोई ताना देता था या बेगम है आपकी या कोई मतलब गर्लफ्रेंड ने ताना दिया, क्यों काशिफ क्यों आया आपके जेहन में ये? अगर मैं क्यों असलम लेता तो कह रहा था क्यों असलम क्यों। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो ये था मैं वही कह रहा था कि मैं एक नॉर्मल वे में मैंने बात की थी क्यों का आशी। सही है। मुझे ये नहीं था पता कि मैं ये कहूँगा और मैंने हिट हो जाना, अगर मेरे जहन में ये था हो कि मैंने इसी तरह हिट होना तो मैं बहुत पहले हिट हो जाता। तो मैंने एक नॉर्मल हैसियत के तौर पर मैंने वीडियो बना दी और वो वायरल हो। अच्छा वैसे एक छोटा सा डायलॉग जो कि वैसे जो आपके अपने रनिंग आइटम है उसमें से कुछ छोटा सा डायलॉग लोगों को पता चले कि वाकई ओरिजिनल वाला काशिफ हमारे पास खड़ा है या कौन सा नहीं। अच्छा एक डायलॉग मैं इनके साथ जरूर आजमाना चाहूँगा, वो क्या कोई भी बोलूँ? हाँ जी। हाय अनम, तुमने रात को मुझे फ़ोन नहीं किया हालांकि तुमने वादा किया था कि बर्तन धोने के बाद तुम फ़ोन करोगी, क्यों काशिफ। अच्छा और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़
जो इससे पहले ज़िंदगी में ट्राई करते हों, कुछ शरारतें ऐसी, कुछ बातें ऐसी जो आपको आज इस मुकाम तक यहाँ तक ले गए, जो आपके ऑफिस के कुलीग हैं उन हवाले से भी कुछ ना कुछ बताएं, क्या अप्रिशिएशन मिलती है आपको? मैं आपको एक बस बेसिकली एक रियलिटी बात बताऊँगा और बड़ी ये सीरियस बात है। सीरियस है? मुझे कोई सीरियस सीरियस है, सीरियस बात है यार, सीरियस गल है, गल सीरियस है यार कट कट कट, बहुत ज़्यादा सीरियस है प्लीज। अच्छा, मुझे बनाने का शौक था, वीडियोस बनाने का शौक था। सबसे पहले मैंने जो वीडियो बना के दिखाई वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था जो पीडीसीएल में होता है, अब्दुल रहमान कुरैशी उसका नाम है, और आज भी है लेकिन उससे बात नहीं होती, वैसे थोड़ा सा झगड़ा वगैरह हुआ है, झगड़ा हुआ है। और जब भी मैंने उसको वीडियो दिखानी उसने एक ही बात कहनी, ठीक है लेकिन तेरा मुंह है वायरल होने वाला, ठीक है नहीं तानू लगता मुंह है वायरल होने वाला, ठीक है ठीक है, मन्ने तो एक्टिंग करना है, अच्छी सारा कुछ यार, मनु दिल से बड़ी ओदी गल लगी, हाय हाय बड़ी गल, हाय हाय अपने ही होते हैं नशे मन पर बिजलियां गिराने वाले। नहीं किया मैं सोचिया करांगा, नहीं किया मैं सेंसिबल आदमी, मैं क्यों इस तरह करूं, हां सही हो गया, मैंने सोचा करूं नहीं किया, लेकिन बस ये थी कि वो एक मेजर स्टेप था, सही है उसका ये टॉन्ट करना, अब मैंने वो फील आ गई थी मैंने अब कुछ करना ही करना है। अब मैंने वायरल होना ही होना है। जो मर्जी हो जाए, मैं पाए खुजरा बाजा घर वालों की क्या फीलिंग, अम्मी अब्बा बहन भाई बच्चे यार अभी तक तो मैं अनमैरिड हूँ, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, जीरो मीटर। अच्छा दूसरी बात ये कि दूसरी बात ये है कि सबसे पहले जो मैंने वीडियो दिखाई थी वो मेरी वालदा थी, सही है, और मैं अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हूँ, अच्छा जो भी बात डिस्कस करनी होती है मैंने उन्हीं से डिस्कस करनी होती है, चाहे कुछ भी हो किसी भी हवाले से हो, सही है, तो मैंने जो भी वीडियो बनाई मैं अपनी वालदा को साथ साथ मैं कहता था कि ये मैंने ये बनाई है, ये देखें आज इतने व्यूज़ आ गए, इतने व्यूज़ आ गए। अम्मी का एक ही जवाब आता सी, पैसे आ रहे नहीं आ रहे, छड़ दे। इतनी मेहनत करने पैसे नहीं आ रहे, फायदा मैं क्या, अम्मी जी हर चीज नु गेन करना से कोई ना कोई करना पड़ेगा, नो पेन नो गेन। फेमस होंगे आगे कोई प्रमोशन मिलेगी, आगे कोई पैसा आएगा, अगर इस तरह करेंगे ये कोई जॉब नहीं है लिख पढ़ते वाली कि मैं बैठ जाऊं और पैसे आना शुरू होगा, सही होगा नहीं इंशाल्लाह वजीस पैसा भी आना शुरू होगा, बताएंगे सारा कुछ। और ये बहुत बार बहुत देर बाद जाके मेरे वाले साहब को पता चला कि ये वीडियोस बनाते हैं, भाई को पता चले ये वीडियोस बनाता है, तो बहन को तो ऑलरेडी पता था क्योंकि वो घर होती है, अम्मी को पता था कि वो घर, सही हो गया, यानी जब मोहल्ले वालों की तरफ से वो होना शुरू हो गया, तो अब्बा जी को पता लग गया खराब हो गया। अच्छा हमारा चैनल मिस्टर बुलेट पहली दफ़ा किसी बड़े चैनल के साथ कोलैबोरेशन करके आपको कैसा लगा, हमारे साथ मिलकर कैसा लगा? देखें अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बढ़िया करीम है और वो मिला देता है अच्छे लोगों से ऐसे, हाँ तो उसमें ये है कि आपसे फर्स्ट मीटअप है मेरा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो इंशाल्लाह आइंदा दिनों में भी उम्मीद, इंशाल्लाह ज़रूर हमारी वीडियोज़ वगैरह भी आप देखेंगे, क्यों हाँ बिल्कुल, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा हमारा पैचअप रहेगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर में और लोगों को अच्छी तरह एंटरटेन कर सकेंगे हम, बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी। और मेरे जो व्यूवर्स हैं मैं चाहूँगा कि कुकू ऑफिशियल, इनका लिंक कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में होगा इनका, वैसे तो ये टिकटॉक के ऊपर ही मशहूर हैं, ठीक है, आप कुकू ऑफिशियल वैसे लिखेंगे आपको टॉप पर ही टिकटॉक के ऊपर नजर आएंगे, तो ज़रूर जाकर आपने इनको फॉलो करना है, ठीक है, ज़रूर इनको फॉलो कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे सब्सक्राइब की तो ऑप्शन है कोई नहीं, तो फॉलो कीजिएगा, लाइक आप खुद ही कर लेंगे इनकी एक्टिंग देखकर, और रह गया कमेंट, तो जब इनकी आप वो वाली एक्टिंग देखेंगे तो कमेंट भी आप कर ही देंगे, ठीक हो गया, टिल देन टेक केयर, किसी नए सेलिब्रिटी क्रिएटर इन्वेंटर और बड़े अच्छे इंसान के साथ इंशाल्लाह ज़रूर और बहुत सारे टिकटॉकर्स के साथ एक सीरीज़ हमारी चलने जा रही है, तो ये पहली सीरीज़ के पहले बंदे कुकू ऑफिशियल यानी काशिफ थे, तो ज़रूर बाकियों के साथ भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पैचअप होगा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में भी आपको नज़र आते रहेंगे टिकटॉक के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी। टिल देन टेक केयर, फिर किसी और जगह हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़। अनम आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूँगा।
मैं थले कुछ नहीं पाया यार, ज्यादा ऑफ करो। ओ इस तरह करके ना, इस तरह करके थोड़ा थोड़ा। अच्छा ये इस तरह अमरीसी कैली आ जाओ ना। अच्छा ये टिकटॉक के ऊपर चैनल्स बनाते हैं ना, आप इसको चैनल कह लें कुछ कह लें। नहीं नहीं, वो मुझे पसीना आ रहा है। हमारा चैनल हमारे साथ कोलैबोरेशन करके आपको कैसा लगा? मिस्टर बुलेट के नाम से मुझे जाना जाता है, आपको तो पता ही है, ठीक है।